everybody, this is your Finn Monilahan and welcome back to my YouTube channel. Apunalu khokoluke mur YouTube channel loi punar bai swagatam janaisu. I hope you all are doing great. I'm also fine here in Africa's Malawi. दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि मैं अभी अफ्रीका की मलावी में हूँ और आज मैं जा रही हूँ यहाँ की एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल माउंटेन में. सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ में लेके चलूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी एक्सपीरियंस कर लीजिएगा. हाँ, चलते चलते मैं बता दूंगी कि कौन सा माउंटेन में मैं जा रही हूँ. पहले मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद कार में बैठ के बात करते हैं. ओके, तो दोस्तों अभी निकल रही हूँ. आप लोगों को अभी तक मैंने बोला नहीं कि कहाँ जा रही हूँ. एक्चुअली मैं जा रही हूँ बुद्धा माउंटेन. तो चलिए आप लोगों को भी घुमा के लाती हूँ और मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं कैसा होता है. वेदर तो काफ़ी अच्छा है आज, बट बहुत ही ज़्यादा धूप है. जा रही हूँ बुद्धा माउंटेन. वैसे पता नहीं इतनी तेज़ धूप में हाइकिंग कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन उम्मीद में दुनिया कायम है तो इसलिए वही होप लेके मैं जा रही हूँ कि हाइकिंग कर पाऊंगी. कार रोक कर इन बच्चों से हमने डायरेक्शन ले लिया. इधर देखिए कितने सारे मेज का प्लांट्स है इन बड़े बड़े पेड़ के बीच में. मेज माने गुमधान. मलावी इतिम्य गुमधान खेती सामरले गुमधान सिंगा हो गल गसबी आसे. हबिर माजे माजे लुंग लुंगिया बात. ओ डंकीज सुगर कैन. वाओ दिस इज बुद्धा माउंटेन. बुद्धा पहाड़ देख के इतना अच्छा लग रहा है. चारों तरफ हरियाली और बीच में ये पहाड़. मैं समझा नहीं पाऊंगी ये नज़ारा देख के मैं कैसा फील कर रही हूँ. दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड बुद्धा फॉरेस्ट. बहुत बड़ा फॉरेस्ट है ये. अफ्रीका में आके अगर मैंने आप लोगों को फॉरेस्ट नहीं दिखाई तो क्या दिखाई है ना. देख लीजिए अमेजिंग बुद्धा फॉरेस्ट. ये बुद्धा पहाड़ के साइड में ही है और बुद्धा पहाड़ के ऊपर से भी आप लोगों को ये दिखाई देंगे. मैंने सुना है इस फॉरेस्ट में बहुत सारे बर्ड्स और जानवर रहते हैं. फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं. यहाँ की लोकल लैंग्वेज सिसेवा है और उन बच्चों ने भी हमें डायरेक्शन सिसेवा भाषा में ही दिए थे तो उन्हीं को फॉलो करके हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं बुद्धा माउंटेन. तो दोस्तों अभी यहाँ के पहुंच गई हूँ. आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही ज़रा खूबसूरत तालाब है. यहाँ के लोग इस तालाब में कपड़े धोते हैं और अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं. सच में बहुत ही ज़रा ब्यूटीफुल है ये तालाब. इसकी खूबसूरती देखकर जैसे मैं खो ही गई हूँ. इसमें फ्लावर्स और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं. क्या यह स्वर्ग से कुछ कम है. पहाड़ के जस्ट नीचे ही ये तालाब है. अभी चलिए चलते हैं पहाड़ की ओर. देखिए मेरे सामने बुद्धा माउंटेन. इतना ज्यादा खूबसूरत है. बुद्धा माउंटेन है साउथ लिलोंगवे में और इसका हाइट है 1159 मीटर्स. चलिए चलते हैं माउंटेन की तरफ. आइए तो
ये मेरा गाइड है, ये आज बुंदा माउंटेन के बारे में हमें बताएंगे। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज एजेक्यू। व्हाट? एजेक्यू। एजेक्यू, ओके, लेट्स गो। सो एजेक्यू, हाउ ओल्ड यू आर? 15 इयर्स ओल्ड। ही इज 15 इयर्स ओल्ड। इसका उम्र है 15 साल। ये साइकिलिंग सीख रहा है, किस तरह से साइकिल चलाना है इसी रोड में, क्योंकि खाली होता है, गांव का रोड है, तो आराम से सीख रहा है छोटा सा बच्चा। व्हाट्स योर नेम? मैं मीकू। ओके, ही इज लिटिल बिट शाय। सो फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू आर डूइंग दिस जॉब? 6 years. ओके, पिछले 6 साल से ये गाइड का काम कर रहा है, जो भी बुंदा माउंटेन देखने आते हैं उनको लेके आता है। लेकिन ये सिर्फ 15 साल का बच्चा है, आप लोग सोचिए। यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट होते हैं, दिखाते हुए आप लोगों को भी चलूंगी, आइए मेरे साथ। मेरा गाइड तो बहुत आगे पहुँच गया और मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ सिसेवा में कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बट लिखा हुआ है तो इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लव। कैसे रहा? ओके, यू कैन कम फर्स्ट। वहाँ तो आप लोगों ने देखा लव लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मर्सी। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time giving to me. यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है हॉली स्ट्रीट। Won't stop till I see what I want to see. We are making videos. Okay. ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। It's really awesome. थोड़ा सा थक गई हूँ तो यहाँ आके बैठ गई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है विलेज ऑफ पीस। सच में यहाँ बहुत ही ज्यादा पीस है, बहुत ही ज्यादा शांति। ऊपर नीला आकाश, वो जो ग्रीनरी आप लोग देख रहे हैं वो बुंदा फॉरेस्ट है। ये देखिए यहाँ इतने सारे लोग हाइकिंग करके फिर वापस जा रहे हैं। हेलो, हाय। ये मेरा गाइड बहुत ही तेज तेज चल रहा है, क्योंकि ये लोगों को लेके आते ही रहते हैं, तो इनका पूरा प्रैक्टिस है। पर मैं तो आज पहली बार आई हूँ तो इसलिए बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, फिर भी चलिए। कहीं पे थोड़ा सा साया मिल जाए तो बैठ जाऊंगी, अभी साया ढूंढने के लिए जा रही हूँ। आइए
यहाँ सटे सटे ये बच्चे भी मिल गए थे, तो इन लोगों के साथ भी थोड़ा सा एक मेमोरी रख ली मैंने। से हाय। यहाँ पे देखिए, ये शायद कुछ पुराना रेस्ट करने का जगह है, अभी टूट गया है। अब मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा देती हूँ ये बुंदा माउंटेन और इसका व्यू। यहाँ से बुंदा कॉलेज, बुंदा फॉरेस्ट, लिलोंग विद टाउनशिप, कामोजू डैम सब कुछ दिखाई देता है, बट बहुत ऊपर से दिखा रही हूँ ना, तो इसलिए इतना क्लियर व्यू नहीं आएंगे। मई से सितंबर तक यहाँ हाइकिंग के लिए बेस्ट सीजन है। दोस्तों, इस माउंटेन में मैंने नोटिस की है कि यहाँ मिट्टी कम ही है, पूरा पत्थर ही पत्थर है, पर ये पत्थर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। पहाड़ में ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स, ये देखिए कितना क्यूट फ्लावर्स है। उधर गॉड इज लव लिखा हुआ है। लोग यहाँ सिर्फ हाइकिंग के लिए ही नहीं, प्रार्थना करने के लिए भी आते हैं। ये लोग प्रे करने आए थे, फिर घर जा रहे हैं। हमारा भी टाइम हो गया, अभी घर चलते हैं, यहाँ से उतरते हैं। चलिए, तो अभी नीचे जा रही हूँ। पहाड़ पे चढ़ना तो इजी है मुझे लगता है, पर उतरना बाप रे बहुत मुश्किल है। मसेरावान जी, मुरीवान जी, सो ये रास्ते में मिल गई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे एक चीज बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई भी मिल जाते हैं तो आप थोड़ा बात कर लो, ये लोग भी फ्रैंकली बात कर लेते हैं, तो इस कंट्री के लोग इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ के लोग कितना सपोर्टिव है। मैं जब उतर रही थी तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहे थे, तो इसने हाथ पकड़ लिया, हेल्प कर रहे हैं मुझे उतरने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कम तो आके नीचे पहुंच गई हूँ। यहाँ से रास्ता थोड़ा सीधा है, तो इसलिए चलते हुए प्रॉब्लम नहीं होंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों एक्चुअली आप लोग यहाँ बिना गाइड के भी आ सकते हो, पर गाइड ले लोगे तो किसी गरीब आदमी का थोड़ा सा मदद हो जाता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। वैसे तो गाइड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ आप पहाड़ में सरो, आपको सब कुछ दिखाई ही देंगे। बट इट्स ओके, किसी का थोड़ा सा मदद भी कर देना चाहिए कभी कभी, है ना। टर्न अना, बाय। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, बट अच्छा भी लगा, और प्रकृति के बीच में आके तो अच्छा ही लगता है ना। यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात बोल देती हूँ कि यहाँ इस माउंटेन के पास बैठकर कुछ खाने के लिए कुछ भी ऐसा प्लेस नहीं है, आई मीन रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए घर जाके ही खाना खाना पड़ेगा। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही आई थी, आप लोगों को तो पता ही है। हम चलते हैं बुंदा माउंटेन, बुंदा फॉरेस्ट। टेक केयर। I'm getting close to heaven, I stay in my heart.
बैक। यही था मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो। पहाड़ के पास कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह या खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नीचे थोड़ा सा वेजिटेबल वगैरह लोग बेच रहे थे, बट ऐसा कुछ भी बैठ के हम लोग खा सके ऐसा कोई जगह नहीं था, तो इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं खाए। अभी फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं लंच करूँगी। एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट। और बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय अहम, जय हिंद।